ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये है बेंगलुरु का नज़ारा, और ये 6 तारीख का है। उसके बाद ये शाम का नज़ारा है, इसके बाद जो स्टार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होके आप रास्ते में देख सकते हैं आदमी भाग रहे घर पहुँचने के लिए। इसके पहले ही एक कहर बरसना स्टार्ट हो चुका था, सारे रात ये बरसा। और उसके बाद जो हुआ, सुबह के टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका था। आदमी सोचे उससे पहले चारों तरफ पानी भर चुका था। आपको मैं दिखाती हूँ मेरे सोसाइटी का हालत, देखते ही देखते पानी इतना ज़्यादा भर चुका था कि हम लोग क्या करें, सोचने के टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद चारों तरफ कोई कुछ जगह ही नहीं मिला कि कुछ कर सके, कुछ सोच सके। अभी हम लोग सोच रहे थे कि गाड़ी को कैसे सेव किया जाए, तो इस चक्कर में हम अपने गाड़ी को सेव करने में लगे गए। तो ये सभी गाड़ी को बाहर निकाल के एक रोड के साइड में लगा दिए गए थे, फिर भी ये सेफ नहीं रहा, फिर भी पानी चारों तरफ भर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लाइन पे सारी गाड़ियाँ खड़ा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये सुरक्षित नहीं रहे। ये है मेन रोड जहाँ से आप लोगों को हाईवे कनेक्ट होता है, ये है हाईवे का कनेक्टिंग। सो यहाँ पे देख के आपको लग रहा है क्या, ये मेन रोड है जहाँ से हम लोग हर रोज गुजरते हैं। ये जो रोड है, ये रोड तो खैर अभी नहीं रहा, ये वंडाला बन चुका है। जो लोग अभी सोच रहे हैं वंडाला जाने के लिए, रोड जाने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। हम लोग के यहाँ परिस्थिति देख के कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड आए, उसके बाद यहाँ से रेस्क्यू स्टार्ट हुआ। जो भी थोड़ा एजेड आदमी और बच्चे जो भी थे उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया। ये एक स्कूल है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने कारों को डाला था कि ये सेफ रहेगा। देखते ही देखते यहाँ पे भी पानी भर गया और एक एक करके गाड़ी यहाँ से भी निकलना स्टार्ट हो गया। ऐसा हालत हो गया, देखिए दो तरफ में आप देख सकते हैं दो स्विमिंग पूल, पानी का कलर अलग है, एक तरफ पीला एक तरफ नीला। तो आपको चूज करना है किस में आपको सीखना है स्विमिंग। तो ऐसे ही देखते जैसे ही डोर मेन गेट ओपन हुआ, बाहर का सारा कचरा अंदर और अंदर का जो आदमी रहते थे वो हो गया बाहर। हालत इतना बुरा होता जा रहा था कि यहाँ पे रहने के लिए कोई सुविधा नहीं था। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से पानी सोसाइटी के अंदर आने लगा है, और जिम भी अपना सुरक्षा खुद नहीं कर पाए, इसके अंदर भी पानी भर गया। और इसके बाद भी देखने लायक ये है जहाँ पे सोसाइटी भरा हुआ आदमी रहते थे, आदमी तो कोई रहे नहीं। तो मछलियाँ ने सोचे कि हम ही यहाँ पे डेरा लगाते हैं, अभी हमसे कोई भी रेंट नहीं मांगेगा। तो मछली जल की रानी है, तो देखिए कितनी मच्छी यहाँ पे आ गए अपने सहारा ढूंढने के लिए। तो कहीं पे तो किसी को तो कुछ होना चाहिए ना, ये फ़ायदा मछलियों ने बखूबी हम लोगों को सोसाइटी में से ले लिया। तो मछली जल की रानी है, जैसे आप देख सकते हैं ये लोग अपने खुशी में तैर रहे हैं कि इतना अच्छा पानी उन लोगों को मिल गया, और जहाँ पे कोई कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इन लोगों को। सेकेंड डे में भी बहुत ज़्यादा पानी था, और एक आपको लग रहा होगा ये कोई रोड है, रोड तो है नहीं, ये है सोसाइटी के अंदर जिसे ट्रैक्टर से वो सामान लाया जा रहा था, क्योंकि मेन गेट पे ब्लॉक करने के लिए सोच रहे थे। सिचुएशन कुछ भी हो, एक सेल्फी तो बनता है। 3 दिन हो गए हम लोग घर से बाहर है, और हम लोग है अभी होटल YN में। सो YN में क्या क्या है हम देखते हैं। ये है कवर जिसमें हम सब ठूस के रखे हैं, पता नहीं था कितना दिन रहना है, क्या लाना है, कुछ भी सामान हमारे साथ नहीं है। तो महाशय कुछ कर रहे हैं, और ये है अच्छा सा एक बाथरूम, और यहाँ पे और कुछ दिखाई दे रहा है, ये है हेयर ड्रायर। वाओ अच्छा खासा है, देखिए बहुत पावरफुल भी लग रहा है। तो आपको दिखाते हैं एक बार नज़ारा अंदर का भी। ये है डिलक्स रूम, अच्छा खासा सजाया हुआ है भाई। ओह मेरा बेटा बैठा है उधर, और इसका भी एग्ज़ाम है सामने पता है। और ये है नीचे गाड़ी, इस कार के चक्कर में हम लोगों को इतना दूर आना पड़ा ताकि ये डूब ना जाए, पता है अभी हम लोगों ने लिए हैं। और ये है यहाँ पे सोफा रखे हैं, वहाँ यहाँ पे एक टेबल है, हर चीज़ यहाँ पे है जैसे कि आप सरवाइव कर सकते हैं। वो अच्छा डर में मैंने ही रखा इसको, और इसके नीचे भी एक फ्रिज है छोटा सा, लेकिन इसके अंदर जो है वो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन वो रात को काम आएगा। ये है टीवी, और आपको दिखाते हैं
बादल अभी भी छाए हुए हैं, लेकिन अच्छा ये है कि एक ही रूम में ऑफिस स्कूल सब कुछ बना दिए हैं। अभी खाओ और काम करो, ऐसा हालत हो गया है। मेरा बेटा का एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं वो अभी पढ़ाई कर रहा है। कितना लाकी है बेटा हमारा। और यहाँ पे मेरे सासुमा जो है वो देख रहे हैं टीवी, तो देखिए कितना मज़े से आप अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे जो पति देव है उनको भी मैं दिखाती हूँ, वो तो कर रहे हैं ऑफिस का काम। सो गाइज, मुझे जो दिखाना था आप लोगों को सारे कुछ दिखा दिए। ये है मेरा बेटा, इसका पढ़ाई उड़ाई कुछ है नहीं। तो आपको अभी क्या करना है, ये जो चैनल है इसको आपको ढूंढ के निकालना है। मेरे चैनल का नाम है चैतालीस लाइफस्टाइल, और चैतालीस लाइफस्टाइल का बहुत सारा वीडियो है, उसमें से मुझे ढूंढ के निकालना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिंक है जो आपको क्या करने वाला है, हेल्प हेल्प करने करने वाला वाला है। है। तो आपको ढूंढना है चैतालीस लाइफस्टाइल मुझे, और उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले। और इसके साथ ही आपको करना है बेल आइकन को क्लिक, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके घर पहुंच जाए और इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो टिल देन बाय बाय। बाय।